आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। दुमका एसपी कॉलेज के छात्रों ने आदिवासियों की ट्राइबल कलम सरना कलम की मांग को लेकर रविवार को एसपी कॉलेज के मुख्य गेट के पास दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। बताया कि भारतवर्ष में तीसरी सबसे बड़ी आबादी एवं 15 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले आदिवासी जन समुदाय में ट्राइबल धर्म कलम सरना कलम धर्म नहीं होने के कारण हमारे धर्म आस्था विश्वास भाषा एवं परंपरा संस्कृति एवं सभ्यता की मूल पहचान को नष्ट करने के लिए कई दशकों से खिलवाड़ जारी है। आदिवासी की राष्ट्रीय पहचान धर्म कोड वर्ष 1871 से 1951 तक अंकित था। बताया कि पूरे राज्य में मानव श्रृंखला के माध्यम के द्वारा सरकार का ध्यान को आकृष्ट किया जा रहा है ताकि शीघ्र आदिवासियों का धर्म कलम को सरकार लागू कर सके। संवाददाता अगस्टीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। नाम बताइए। मेरा नाम श्यामदेव हेम्ब्रम है। अच्छा। और मैं यहाँ सिद्धोकनु विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। अच्छा, आज का जो मानव श्रृंखला जो यहाँ आयोजित की गई है उसका मुख्य उद्देश्य और आप लोग का क्या है? हम लोग का ये जो आज का जो मानव श्रृंखला के माध्यम से हम अपना राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन लोग बौद्ध लोग का जिस तरह से ट्राइबल कलम धर्म कोड है उसी तरह हमारे आदिवासियों का भी आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। ये मांग को लेकर के आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में झारखंड प्रदेश में पूरे रांची रामगढ़ लोहरदगा गुमला हर जगह ऐसे मानव श्रृंखला के माध्यम से हमारे एक राज्य सरकार को हम लोग चाहते हैं कि आप अपना विधानसभा सत्र में हमारे ट्राइबल कलम का प्रस्ताव को लाएं और यहां से अपना इस प्रस्ताव को पारित करके केंद्र सरकार को इसका अनुशंसा के लिए भेजा जाए। यही मांग को लेकर हम लोग आज लगे हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम सभी आदिवासी हम लोग प्रकृति पूजक हैं और इससे हमारी साफ जाहिर होता है कि हमारे पूर्वज से हर समुदाय का अलग अलग धर्म कोड है, लेकिन आज तक हमको जहां तक जानकारी हुई या हम लोग पूर्वज से रहते हुए आए हैं भारत में सबसे पहले पूर्व हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन आज तक हमारे धर्म कोड कलम का कोई जिक्र नहीं किया गया। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जोसेफ बास्की है। आज का जो मानव श्रृंखला का उद्देश्य बताइए। आज हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से झारखंड सरकार को साथ में केंद्र सरकार को हम भारत की जितने भी आदिवासी हैं हमारा एक ही मांग है कि हम लोग को एक धर्म कोड दिया जाए, क्योंकि हम आदिवासी यहाँ बृहद संख्या में हैं इस भारत में, लेकिन अब तक हम लोग को आज़ादी के बाद अब तक हम लोग का धर्म कोड नहीं है। पहले था लेकिन इसको संशोधित करके हटा दिया गया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो इस प्रकार रह जाए, और इस बार का जनगणना जो चल रहा है उस जनगणना में हमारा ऑप्शन ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग आदिवासी किसी भी धर्म से मिलते जुलते नहीं है। हम लोग का धर्म और संस्कृति हम लोग का अलग है और हम लोग विशेष ही हैं। हम लोग क्योंकि हम लोग का पूजा का स्थल भी अलग है, इसीलिए हम लोग को किसी धर्म के साथ जोड़ा जाए ये कतई सही नहीं है। और हम लोग को इसीलिए अन्याय लग रहा है कि हम लोग को अगर यदि किसी अन्य धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग इस अन्याय को नहीं सह पाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी आधार से किसी भी धर्म के साथ हम लोग मिलते जुलते नहीं है। और इसीलिए आज हमारे साथ बहुत तरह की समस्या हो रही है, जैसे कि हमने कुछ भी अगर परपत्र भरते हैं अगर यदि वहाँ पर आदिवासी कॉलम नहीं रहता है तो हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम लोग करें तो अथवा कहाँ क्या भरे। दूसरी बात, ये इसी धर्म को धर्म कोड नहीं होने के चलते हमारा आज जनसंख्या में
कटौती हो रही है, क्योंकि हमारा आदिवासी का गिनती कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ तो धर्म के आधार पर यहाँ कोर्ट बना दिया गया है और उस कोर्ट के आधार पर आदिवासी को कहीं गिनती में नहीं है। तो इस तरह करके हम लोग समझ रहे हैं कि ये तो एक प्रकार का साजिश है।